परोपकार ही जीवन है, परोपकार ना करना ही मृत्यु है। तुम जितने नर पशु देखते हो उसमें 90% मृत है, वे प्रेत है, क्योंकि जिसमें प्रेम नहीं वह जीव ही नहीं सकता। सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो, तुम गरीब मूर्ख मनुष्य के दुख को महसूस करो, तब तक महसूस करो जब तक तुम्हारे हृदय की धड़कन ना रुक जाए, मस्तिष्क चकराने लगे और तुम्हारे ऐसा प्रतीत होने लगे कि तुम पागल हो जाओगे। फिर ईश्वर के चरणों में अपना दिल खोल कर रख दो और तब तुम्हें शक्ति सहायता और उत्साह की स्वतः प्राप्ति होगी। इस पृथ्वी को कर्म भूमि कहा जाता है, अच्छे बुरे सभी कर्म यहीं करने होते हैं। मनुष्य स्वर्ग काम होकर सत्कर्म करने पर स्वर्ग में जाकर देवता हो जाते हैं। इस अवस्था में वह कोई नया कर्म नहीं करता, वह तो बस पृथ्वी पर किए हुए अपने सत्कर्मों के फल का ही भोग करते हैं। और जब यह सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसी समय जो असत्य या बुरे कर्म उनके पृथ्वी पर किए थे उन सब का संचित फल वेग के साथ उस पर आ जाते हैं और उसे वहां से फिर एक बार पृथ्वी पर घसीट लाता है। उठो जागो, और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते तब तक चैन ना लो। उठो जागो, निर्बलता के उस व्याह मोह से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है, आत्मा अनंत सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ हैं। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। तुम्हारे अंदर जो भगवान है उनकी सत्ता को ऊंचे स्वर्ग में घोषित करो, उसे अस्वीकार मत करो। हमारे जाति के ऊपर घोर आलस दुर्बलता और व्यामोह छाया हुआ है। अधिकतर लोग भेड़ों के झुंड के समान होते हैं। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर जाते हैं तो उनके पीछे एक एक करके सभी भेड़ गिरकर अपने गर्दन तोड़ लेते हैं। इसी तरह जब समाज का कोई मुखिया कोई बात करता है तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने लगते हैं और यह नहीं सोचते कि वह क्या कर रहे हैं। अनुभव द्वारा ही समस्त मानव ज्ञान उत्पन्न होता है, हम इसे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कुछ भी जान नहीं सकते। हमारी सारी तकरणा सामान्यकृत अनुभव पर आधारित है। हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्णतः पवित्र अथवा अपवित्र हो। यदि अपवित्रता और पवित्रता का अर्थ है अहिंसा या हिंसा, हम बिना दूसरे को हानि पहुंचाए सांस तक नहीं ले सकते। हम अपने भोजन का प्रत्येक निवाला किसी दूसरे के मुंह से छीन कर खाते हैं, यह तक कि हमारी अस्तित्व भी दूसरे प्राणियों के जीवन को विनष्ट करके संभव होता है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कीटाणु हो, हम किसी ना किसी को हटाकर अपना अस्तित्व स्थिर रखते हैं।